हेलो दोस्तों, वो दिन गए जब महिलाओं को कम समझा जाता था। एक समय में पुरुषों की जिम्मेदारी महिलाओं की सुरक्षा करना था, लेकिन महिलाओं ने अपनी स्वयं की सेफ्टी के तरीके सीख लिए हैं। आजकल कई महिलाएं अपनी छुईने वाली इमेज से बाहर निकलकर खतरनाक बॉडी बनाने में लगी हुई है। जो पेशा कभी आदमियों का हुआ करता था, वे आज महिलाओं के लिए भी खुला है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी महिलाओं के बारे में जिनसे उलझने की गलती अच्छे अच्छे आदमी नहीं करना चाहेंगे। इन्हें नाजुक समझने की भूल बिल्कुल मत करना। इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तभी आपको मजा आएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है कैथी लेफ्रिकोस। 5'3" हाइट की कैथी 46 साल की उम्र में भी फिट हैं। वह कनाडा की सबसे फेमस बॉडी बिल्डर्स में से एक हैं। पहले उनकी दिलचस्पी स्केचिंग और बैडमिंटन में थी, लेकिन 14 साल की उम्र में अपने दोस्तों को देखकर उन्होंने जिम करना शुरू किया। बाद में इस काम में कैथी के दोस्तों ने उनकी काफ़ी मदद की। इनकी एक दोस्त की एक शराबी गाड़ी चलाने वाले ने कुचलकर हत्या कर दी थी, जिससे कैथी को बहुत बड़ा सदमा लगा था। और उसी दोस्त की याद में इन्होंने अपने आगे की बॉडी बिल्डिंग का सफर जारी रखा। हालांकि साल 1995 में इन्होंने बॉडी बिल्डिंग से दूरी बना ली थी। फिलहाल वे अपना जिम चलाती हैं कनाडा में। दोस्तों, वे आज भी अपने आप को किसी से कम नहीं मानती है। इसी प्रकार के साहस से न जाने कितनी औरतों ने इस समाज को उसका असल आईना दिखाया है। दोस्तों, दूसरे नंबर पे है डाना लाइन बेली। कॉलेज के दिनों में डाना बेली की फुटबॉल में काफी रुचि थी। उन दिनों में उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ बॉडी बिल्डिंग शुरू भी की। फिर साल 2006 की कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना शुरू किया और कई इनाम भी अपने नाम अर्जित किए। इसके बाद वे स्कूल में फिटनेस ट्रेनर के तौर पर काम करने लगी। इसके अलावा वे कई सेमिनार और वर्कशॉप में जाकर महिला सशक्तिकरण के लिए भी काम करती है। दोस्तों, यह थी कुछ दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाएं बॉडी बिल्डर्स की लिस्ट। आपको वीडियो कैसी लगी उसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर जरूर कीजिएगा। और वुमन एम्पावरमेंट के लिए आपको इतना तो करना जरूरी बनता है। दोस्तों, फिर होगी मुलाकात किसी नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।